गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है। इसे पिछले वाले वीडियो में 1 नंबर को सॉल्व कर दिया गया है, आज ये दूसरा सॉल्व करेंगे इसका। 2 में दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0। बिल्कुल आसान है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम 1 बनाते हैं, पहला स्टेप। चल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे बराबर के उधर और बराबर के इधर दोनों बगल क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा भाग देना पड़ेगा। तो लिख देते हैं दोनों ओर 2 से भाग देने पर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2x² - 4 = 0। सब में भाग दे दिए, इसका रिजल्ट क्या मिला, 2 से 2 तो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, x² + x / 2 - ये भी कटेगा, 2 × 2 = 4, यानी 2 = 0। 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। पहला स्टेप का जो काम है वो कर लिया गया। अब देखिए क्या है कि x के गुणांक, x स्क्वायर का तो हो गया, अब x के गुणांक को क्या लिखेंगे, x का गुणांक कितना हुआ, 1/2, तो 1/2 क्या हो गया, 1/2 हुआ, 1/2। इसको आधा करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 से आधा से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया, आ गया आपका 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे x² तो है ही प्लस x/2, और इसके बाद गुणांक जो है x का गुणांक उसको आधा करके, इसका आधा करिए तो ये आया 1/4। तो क्या करेंगे, एक बार 1/4 को स्क्वायर कर लेंगे, एक बार जोड़ देंगे स्क्वायर करके, और एक बार घटा लेंगे। इसके बाद x/2 लिखने के जस्ट बाद, इसके बाद जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते, तो -2 दिया हुआ बराबर कर 0। यहां तक स्पष्ट। अब देखिए, ऐसा करने से हुआ कि यहां से यहां तक पूर्ण वर्ग बन गया, किसका बन गया, x और ये b का स्थान पर आ गया, a² + 2ab + b², ठीक है। तो x प्लस 1/4 का आपका स्क्वायर हो गया, बराबर नहीं, यहां से यही तक में हुआ, इसके बाद कितना है, यहां पर माइनस का 1/16, चटो का 16, और यहां पर माइनस का 2 बराबर का 0। यहां तक स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं, बराबर के उधर ले जाते, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/16, ये उधर जाएगा तो फिर ये भी प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, 1/2 कर सकते हैं। यहां तक एक बार देखिए, अब क्या होगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 16, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 16, 16 × 16 = 32, ये 32 हो गया, ठीक है। यहां तक स्पष्ट है। अब हम स्पेस बना लेते हैं, क्या होगा, देखिए यहां से x + 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर का कितना आ जाएगा, 33 / 16 आ जाएगा। यहां तक स्पष्ट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, ax + 1/4 = ± लगेगा, और क्या करते हैं, 33/16 का रूट लगा लेंगे,
ठीक है यहां तक। फिर आगे देखिए क्या होगा, x प्लस वन बाई फोर, वन बाई फोर नहीं लिखेंगे इसको हम, x बराबर लिख सकते हैं आप, एक बार लिख सकते हैं, एक बार लिख लेते हैं, वन बाई फोर बराबर प्लस माइनस रूट 33 तो निकलेगा नहीं रूट से, तो लिख देंगे रूट में 33 और चार चौका 16 नीचे में तो 4 निकल जाएगा। यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर का अब इसको हम उधर ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं, प्लस वन बाई फोर को उधर ले जाते हैं, तो माइनस का वन बाई फोर अब प्लस माइनस आ जाएगा रूट 33 बट्टा का 4। यहां तक स्पष्ट है। फिर आगे देखिए स्टेप, x बराबर इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 इधर होगा, इसका लघुत्तम 4 होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है माइनस का 1, फिर प्लस माइनस 4 से ही लगाना, 3 से कटेगा तो वही आ जाएगा कितना रूट 33। अब क्या करेंगे, x का मान तो निकल गया, x का मान निकला तो एक बार अल्फा एक बार बीटा, अल्फा में प्लस वाला को लिखेंगे और बीटा में माइनस वाला को लिखेंगे, तो अल्फा बराबर कितना हो गया माइनस 1 प्लस रूट 33 बट्टा 4, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस, अब माइनस लेंगे ना यहां से, रूट 33 बट्टा 4। ये दोनों अल्फा और बीटा जो द्विघात समीकरण दिया हुआ था उसका मूल हुआ। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया गया। अब अगले वीडियो में तीसरा और चौथा को बताया जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।